नागपुर शहर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। उसी श्रेणी में नागपुर पुलिस आयुक्तालय और मैत्री नशा मुक्ति केंद्र के संयुक्त तत्वाधान से पुलिस आयुक्त मितेश कुमार की विशेष उपस्थिति में नशा मुक्ति केंद्र के नशा मुक्त हुए लोगों का पुनर्जन्म कार्यक्रम मनाया गया। गौरतलब है कि मादक पदार्थ विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में शहर पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते नागपुर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार के निर्देश अनुसार नशा आसक्त लोग जो आज नशा मुक्त हो चुके हैं, ऐसे 30 लोगों का पुनर्जन्म कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर नशा मुक्त हुए लोगों को मेडल देकर सम्मानित किया गया, तो वही इस दिन को केक काट कर मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्तों ने अपने अनुभव उपस्थितों से साझा किए। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार समेत सह पुलिस आयुक्त अश्विती दोर्जे उपस्थित रही। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नागपुर पुलिस दल द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के विषय में जानकारी दी। साथ ही साथ नागपुर को पूर्ण रूप से नशा मुक्त करने विश्वास जताया। साथ ही साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोले कि ड्रग्स विरोधी कार्रवाई में हम जनता के सहयोग से जरूर सफल रहेंगे। संदेश यही रहेगा सर कि नशा मुक्त जीवन का एक अपना ही मजा है। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाला कार्यक्रम है नशा मुक्ति का, क्योंकि मैं चारों खाने चित हो चुके वाला आदमी था नशे के कारण। कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, हर फील्ड में हर क्षेत्र में हरा हुआ आदमी था मैं नशे के कारण। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसको हमारे भाषा में रॉक बॉटम कहा जाता है, जिसमें खुद का रियलाइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है और आदमी नशे के लिए प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार से घटनाएं मेरे जीवन में घटी, मुझे मेरा रॉक बॉटम का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे पता चला कि नशा मुक्ति का महत्व मेरे जीवन में क्या है। और उसके बाद सही गाइडेंस के अनुरूप मैंने खुद को नशा मुक्त रखना चालू किया, जिसके बावजूद लोगों को पता लगा कि नशा मुक्ति संभव है। तो संभव है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा युवकों से यही आग्रह रहेगा कि आप नशा छोड़ना चाहते हो लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए आप ज़्यादा उस नशे में अटकते जाते हो और फिर आखिरी में आपको रास्ता कोई भी मिलता नहीं अंटिल डेथ। इसलिए मैं हर युवक से यही कहूँगा कि एक बार तो भी आप, जिनको नहीं जम रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है नशा छोड़ना, वो चाहते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट जा रहा है उनको नशा छोड़ना, तो वो लोगों को एक बार नशा मुक्ति केंद्र में शास्त्रीय उपचार लेने चाहिए और उसके बाद नशा मुक्ति 100% संभव है, ऐसी मैं बात कर सकता हूँ। हो बरोबर आहे। हे आज एक कार्यक्रम ज्या जे डी एडिक्ट्स आहे, जे मेन स्ट्रीममध्ये एडिक्शन सोडून मेन स्ट्रीममध्ये आलेले आहेत, त्यांचे आज सत्कार कार्यक्रम ठेवण्यात आले होते आणि पुनर्जन्म म्हणून त्यांचे एक केक कटिंग सेरेमनी पण झालेली आहे। मैत्री व्यसनमुक्ती डी एडिक्शन केंद्र आहे, इथे त्यांचे सगळे लोक आहे आणि त्यांचे तर्फे कार्यक्रम आज इथे आयोजित करण्यात आली होती आणि खरा ही अत्यंत चांगली उपक्रम अशा प्रकारचे डी एडिक्शन सेंटर्स घेत आहे, त्यांना पण उत्साहित करण्याची दृष्टिकोनातून आज शहर पुलिस दलाने ही कार्यक्रम आयोजित केली होती आणि मला विश्वास आहे की याच्यामुळे आणखी लोक प्रोत्साहित होऊन डी एडिक्ट होईल आणि आम्हाला डिमांड सप्लाई चेन मध्ये ब्रेक करण्यात यामुळे नक्कीच यश मिळेल। ड्रग मुक्त नागपूर म्हणून एक भरपूर स्ट्रॅटेजीज तयार करण्यात आलेली आहे आणि सिम्बॉलिक रीतीने परवापासून काही काही नवीन उपक्रम आपण बघितले असतील, काही स्ट्रीट प्लेसची आयोजन जे प्लेसेस ऑफ हाई फुटफॉल्स आहे तिथे सुरू करण्यात आली होती। काल जे ड्रग सीज्ड ड्रग्स होते त्यांना नाश करायची मोहीम सुरू करण्यात आली होती। आम्ही आमचे पोलीस स्टेशन्सला, DCP लेवल ऑफिसेसला आणि क्राईम ब्रांचला जे आमचे NDPS पथक आहे त्यांना आणखी कार्यान्वित करण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये आणखी एक टीथ निर्माण करण्याची दृष्टिकोनातून वेगवेगळे उपाययोजना करण्यात येत आहे। आमचे जे रिसोर्सेस आहेत ते पूर्णपणे हे ड्रगचे विरुद्ध लढाईमध्ये त्यांना मोबिलाइज करण्यात येत आहे। क्रिमिनल्स जे रेकॉर्डवरचे आहेत त्यांचे पूर्णपणे डोझियर्स तयार करून पेडलर्स आणि कंझ्युमर्स हे दोन वेगवेगळे बायफर्केशन करून दोन्ही विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू करण्यात येत आहे। असे भरपूर प्रकारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स असतील, सोशल मीडिया किंवा ऑनलाईन सेल किंवा परचेज जे
अशा प्रकारचे कॉन्ट्राबँडचे असते किंवा जे हॉटस्पॉट्स पेडलिंगचे विषयावर आहे आणि कंझ्युमर कन्झम्पशनचे विषयावर जे हॉटस्पॉट्स आहे ते आयडेंटिफाय करण्यात येते आणि असे प्रकारचे भरपूर उपाययोजना करून नागपूर शहर पोलीस आत्तापासून जोरात आणखी जोरात कारवाई सुरू करत आहे. NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट.